चलिए हमारे पास ये हमारी 28 फरवरी का बैच है। कौन सा बैच है? तो मैं बताना चाहूंगा आज इनका सॉफ्टवेयर का लास्ट डे है, आज इनका चौथा दिन है लास्ट सॉफ्टवेयर का, जो इन्होंने ओवरऑल मैंने इनको पढ़ाया है। आज यहाँ पे हम इनका लेंगे छोटा सा रिव्यू कि इन्होंने सीख पाया कि नहीं पाया, ये जब फ्रेशर स्टूडेंट या फिर जो पहले से काम कर रहे हैं उनका भी एक्सपीरियंस देखेंगे कि उनको कैसा पढ़ाया गया। तो चलिए हमारे साथ पहले स्टूडेंट अपना नाम और कहाँ से आप? मेरा नाम किशोर महाराष्ट्र से। किशोर जी आप हमें ये बताइए, इससे पहले आप सॉफ्टवेयर पे काम करते थे? बिल्कुल नहीं करते थे, कभी नहीं किया आपने? कितने सालों से हार्डवेयर कर रहे हैं आप? 7 सालों से हार्डवेयर कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर करने की कभी कोशिश नहीं की? तो अभी आपको कैसा लग रहा है कि आप सॉफ्टवेयर, आपने 4 दिन की क्लास ली, कैसा लग रहा है अभी आपको सॉफ्टवेयर? बहुत बढ़िया, मीन्स जो आपने सोचा था सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे, ऐसा फ्रेशर में सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा, पहले तो कंफ्यूजन था सीख नहीं पाऊंगा। जी जी ये बताइए कि ओवरऑल जो यहाँ पे आपने, आप पहले सॉफ्टवेयर पे काम करते थे? बिल्कुल फ्रेशर है, अभी भी फ्रेशर है? अभी मैं किसी फोन का अगर आपसे बोला जाऊँ इसकी अनलॉकिंग करना है, फ्लैशिंग करना है, विदाउट डाटा लॉस करना है, ये सारी चीजें कर पाएंगे? यहाँ का स्टेप कैसा लगा, बहुत हार्ड लगा या टफ लगा या बहुत सॉफ्ट लगा? समझ में आया आपको? तो ओवरऑल जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनको क्या बोलना चाहेंगे? जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है जिसको भी दिक्कत हो रहा है यहाँ पे आ जाएगा, इजिप्टिक्स मिलता है, सब कुछ अच्छे से समझाते हैं। आपने जो सोचा था वो मिला आपको? जी सर बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से? राज, लखनऊ से। राज, राज जी अभी आप ये बताइए आप सॉफ्टवेयर में कितने सालों से काम कर रहे हैं? फ्रेशर है सर। बिल्कुल काम नहीं करते थे, शॉप है आपकी? शॉप। कितने साल हार्डवेयर का काम करते थे? भाई करता है। भाई करता है, आप इस फील्ड में मतलब बिल्कुल नहीं। अब ओवरऑल 4 दिन में कैसा लग रहा है कि हम सॉफ्टवेयर सीख पाए या नहीं सीख पाए? बहुत हार्ड तो नहीं लग? नहीं नहीं सर, बहुत ईजी हो गया, पहले तो बहुत मॉडल देख के लगता था बहुत सारे मॉडल है। तो क्या यहाँ पे मॉडल वाइज पढ़ाया जाता है? नहीं सर। कैसा पढ़ाया जाता है, जो यहाँ पे पढ़ाने का तरीका ये सही है या फिर जो मॉडल वाइज होता है? यहाँ की ट्रिक अच्छी है, आपको सीखने को मिला? जी बहुत कुछ सीखा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है और अपना नाम और कहाँ से आप बताइए? जी सर मैं अनीश, और तेज बोलिए। अनीश यादव सर। अनीश जी आप हमें ये बताइए कि आप कितने सालों से सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं? सर मैं 7-8 महीने से काम कर रहा हूँ। 7-8 महीने का एक्सपीरियंस और ये 4 दिन का एक्सपीरियंस बताइए। सर बहुत अंतर है, कुछ चीज में फेल हो जाता था, कुछ कोई यूट्यूब चैनल देखना पड़ता था। जी जी। तमाम वीडियो वॉच करने के बाद पता चलता था। जी जी। लेकिन यहाँ पे पता चल गया करता हूँ कि क्या करना है, कैसे क्या मैच करना है, स्टेप सारे पता चले कि क्या क्या हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड और क्या चीज से क्या आ सकता है सारा कुछ लाइव। हाँ सर। अनिश जी जो ऑनलाइन ऑफलाइन का मसला होता है यहाँ पे क्लियर हुआ? हाँ जी। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया सर, अच्छा अच्छे से सॉफ्टवेयर पूरा क्लियर हो गया, क्लियर हो गया यहाँ पे। ओवरऑल जो पहले से काम कर रहे हैं उनको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सर ज्वाइन करना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से बताइए? मेरा नाम जाफर खान है, मुंबई से। तो जाफर जी मुंबई से इतनी दूर आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फुल कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, आपने सोचा था क्या इसे मेरे को? आपने सोचा होगा अरे मैं सॉफ्टवेयर सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा, अभी आपको कैसा लग रहा? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, डर लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा। पर जब हार्डवेयर का काम करते थे इससे पहले कितने सालों से कर रहे हैं हार्डवेयर का? 4-5 साल में ये लगा। सॉफ्टवेयर का काम किसको देते थे आप? वैसे मार्केट में देते थे, मार्केट में देते थे। तो अभी ये मार्केट का काम लेंगे कि मार्केट में फिर से देंगे? लेंगे। तो सॉफ्टवेयर में बहुत पहले तो बहुत हार्ड लगता था, अभी कैसा लग रहा है? अभी बहुत इजी हो गया। तो ओवरऑल आसान लग रहा है, प्रैक्टिस करना है। जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट, मैं एक बार और कहना चाहूंगा बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे लाइव बोल रहा हूँ आपको, ऐसा तो नहीं कि कुछ और बोलते हैं फ्रेशर स्टूडेंट को अलग और जो एक्सपीरियंस है उनको अलग पढ़ाया जाता है? सबको सब एक बार पढ़ाया जाता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और, अपना नाम और कहाँ से आप? मैं विजय कुमार प्रसाद, मैं बिहार से हूँ। विजय जी आप बिहार से इतनी दूर, ये बताइए कि सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर पे काम करते थे? नहीं सर, नॉर्मल करते नॉर्मल करते थे आप। तो ओवरऑल क्या कहाँ पे फंस रहे थे और क्या कहाँ पे दिक्कतें आ रही थी आपको? मुझे मेन दिक्कत हो रहा था आपका FRP में और आपका जो फ्लैश करने में। तो अभी ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? अभी ऑल ओवर एक्सपीरियंस अच्छा रहा, अभी समझ में आया, नया नया ट्रिक मिला है किस तरह से करना है, कितने सेकंड में करना है और टूल्स के बारे में पता चला। तो ड्राइवर्स और सेटअप्स कहाँ से डाउनलोड करने सारा कुछ बताया? ओवरऑल प्रैक्टिकल बताया गया कि केवल बता कर सब कुछ आपका प्रैक्टिकल में करते हैं? प्रैक्टिकल बताया गया। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए अपना नाम और कहाँ से आप?
अशोक राजस्थान से। अशोक जी राजस्थान से, राजस्थान भी बहुत अच्छी सिटी है। आपने जैसे हार्डवेयर पढ़ा, अभी सॉफ्टवेयर, कल से आज से आपका एमएनसी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, मींस आप बिल्कुल फ्रेशर थे, तो ओवरऑल हार्डवेयर का काम करते थे, तो ओवरऑल कैसा, मतलब कैसा लग रहा है कि आप सॉफ्टवेयर सीख पाए? नहीं सर, मैं पहले तो ऐसा लगा कि आप टिपिकल रहेगा जी, लेकिन अभी सर बहुत कुछ इजी हो गया, दिल से बोल रहे हैं, लाइव भी है, आप लाइव थोड़ा सा कैमरा दिखाएगा उसमें, इसमें वीडियो में जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसमें लाइव दिखा दीजिएगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे हम लाइव भी है, और लाइव में क्या आप झूठ बोल सकते हैं? नहीं सर, अगर आपने नहीं सीखा तो क्या फेक रिव्यू दे सकते हैं? नहीं नहीं, तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा था सर, कितने सालों से काम कर रहा है? आप तो सॉफ्टवेयर आप मार्केट में देते रहे, कैसा लगता था वो, क्या बोलते थे, ज्यादा टफ है, ऑनलाइन है, इतने पैसे लगेंगे? वो यही कहते थे कि ऑनलाइन है इसमें तो पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे आपने भी प्रैक्टिकल देखा, बिल्कुल प्रैक्टिकल देखा, ऑनलाइन वाले फोन को भी हम ऑफलाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ऑनलाइन कोई भी सेट ऑनलाइन नहीं होता, सारा ऑफलाइन, पूरा डाटा केवल से हम कर सकते हैं। लाइव प्रूफ देखा आपने, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा सर, जो चीज यहाँ सीखने को मिली वो कहीं नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ स्टूडेंट और, अपना नाम और कहाँ से है? सर मैं अजय, मुंबई से हूँ। अजय जी मुंबई से, तो बताइए सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे थे इससे पहले या नहीं कर रहे थे? यस सर, अभी चार दिन से ही कर रहे थे, और चार दिन में काफी कुछ सीखा सर। नहीं, इससे पहले चार दिन सर, इससे पहले तो कर नहीं, एकदम फ्रेशर थे, एकदम फ्रेशर थे, तो चार दिन का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा सर एक्सपीरियंस। यहाँ पे पढ़ाने का तरीका कैसा रहा? बहुत अच्छा सर, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, और जो कि हम बहुत जल्दी उसको सीख के, बिना प्रैक्टिस के संभव है कि? नहीं सर, बिना चार दिन में सॉफ्टवेयर खत्म हो जाएगा? नहीं सर, नहीं, हर एक दिन नया है मेरे भाई। अगर आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि चार दिन में सॉफ्टवेयर पॉसिबल हो जाएगा या एक साल में सॉफ्टवेयर बन जाएगा, ऐसा नहीं है, हर एक दिन सॉफ्टवेयर में नया है। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस सर बहुत अच्छा था, और दिल से बोल रहे हैं सर, बहुत जबरदस्ती से रिव्यू नहीं लिया जा रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। हमारे साथ एक स्टूडेंट और, अपना नाम और कहाँ से आप? सर मेरा नाम गौरव, मैं दिल्ली से। गौरव जी हंसते रहते हैं, इनकी पूरी क्लास में ओवरऑल देखेंगे, लाइव में भी देखेंगे, तो ओवरऑल बताइए सॉफ्टवेयर का काम आप पहले करते थे? सर मैं पहले कभी सॉफ्टवेयर का काम नहीं करता था, ऐसे दिन मैं दुकान पर काम करता था, मेरे यहाँ मतलब सॉफ्टवेयर करना लड़का अलग रखता था, लेकिन अब मैं यही सॉफ्टवेयर कर पाऊंगा, कर पाऊंगा। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? बहुत ऐसा तो नहीं लगा सर ऊपर ऊपर से चला गया? नहीं नहीं सर, काफी प्रैक्टिकल भी कराया जा रहा है यहाँ पे, प्रैक्टिकल भी कराया हमें खुद भी, सारा कुछ प्रैक्टिकल चल रहा है कि वो थ्योरी बेसिस पे? नहीं नहीं, प्रैक्टिकल भी चल रहा है और थ्योरी बेस भी बताई जा रही है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए हमारे साथ एक स्टूडेंट, अपना नाम और कहाँ से? मैं राकेश, गुजरात से हूँ। राकेश जी आप ये बताइए कितने सालों से सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं? बहुत टाइम से कर रहे हैं। फिर भी एक टाइम होगा, पांच साल का एक्सपीरियंस, और ये चार दिन का एक्सपीरियंस बताइए? बहुत, जहाँ मैं फंस जाता था वो जरा के सब ठीक हुई, तो भी बहुत बढ़िया लगता है, जैसे मैं कोई जगह लास्ट स्टेप पे आके खड़ा रह जाता था, एक ही स्टेप होता था करने का, लेकिन फिर बाद में बहुत टाइम लगता है। अच्छा एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आप चार सालों से काम कर रहे हैं, पांच सालों से काम कर रहे हैं, तो बताइए इनको जो फ्रेशर लोगों को कैसी गाइडलाइन दी जा रही है? बहुत बढ़िया, मतलब उनको ऐसा तो नहीं कि भी आप जानते हो इस बुक के बारे में, अगर हम यहाँ पे कुछ गलत पढ़ाते हैं या फिर गलत बता रहे हो तो क्या इनको गलत तरीके से पढ़ाएंगे? नहीं नहीं, बहुत अच्छी तरह तरीका पढ़ाने का कैसा है? बहुत बढ़िया। तो जैसे आप पांच साल में आपने सोचा है कि चलो एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएनसी का कोर्स कर लेते हैं, तो जो देख रहे हैं जो दस सालों से काम कर रहे हैं, पांच सालों से काम कर रहे हैं, उनको ज्वाइन करना चाहिए? नहीं करना, उनको करना चाहिए, जहाँ जैसे कि फंस रहे एफआरपी आ गई, अब जहाँ फंस रहे इधर टिक मिल जाए तो ये करने का तो स्टेप बाय स्टेप इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ओवरऑल ऑनलाइन एक्सपीरियंस से जो देख के फिर बाद में सब किया, आधे पौना घंटा खराब हो गया, फिर बाद में मालूम पड़ता है तो बैठ गया। तो आप चाहे ये बताइए ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। सर मैं दिनेश कुमार, बिहार से। अच्छा तो कट कर, तो अपना नाम और कहाँ से आप? दिनेश कुमार, बिहार। नीलेश जी आप ये बताइए इससे पहले सॉफ्टवेयर में काम करते थे? करते थे। कितने सालों से करते? सात साल। सात साल थोड़ा बहुत होता है, चलिए कोई बात नहीं। तो सात सालों से सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई फेक रिव्यू तो नहीं दे रहे हैं? तो सात साल का ही चार दिन का एक्सपीरियंस किया, सात साल में कहाँ फंस रहे थे आप? फंस रहे थे, तो यहाँ पे आपको डाउट क्लियर हुआ? कुछ नई चीजें मिली कि बस वो सात साल वाला पुराना? चार दिन में क्लियर हो गया। अभी ओवरऑल कहीं पे भी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।
तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? मेरा नाम धीरज है, मैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से है, तो धीरज जी आप हमें ये बताइए, आप इससे इस फील्ड में थे या नहीं थे? नहीं, नहीं थे सर। इस फील्ड में ही नहीं थे, एकदम फ्रेशर है आप, मतलब आपने मोबाइल की शॉप भी नहीं है आप? नहीं है। तो सर मैं इनके लिए बोलना चाहूंगा आपको मेहनत करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, तो ओवरऑल फ्रेशर अभी भी फ्रेशर है क्या? नहीं सर, तो बहुत नॉलेज हो गया। अच्छा एक बात बताइए कि इनको 7 साल वाले जो है ये, और इनके साथ ना बैठा करके आपको अलग पढ़ाया गया? नहीं सर, एक साथ ही सबको लेके चलना पड़ता है। तो जो आपके डाउट्स होते थे वो क्लियर हुए कि नहीं? ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर बहुत अच्छा लग रहा है, यहां पढ़ के अच्छा लग रहा है, सीखने का जज्बा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हां ये लो, अपना नाम और कहां से है? सर मैं रजनीश बिहार से। रजनीश जी आप हमें ये बताइए कि ओवरऑल सॉफ्टवेयर में आप काम करते थे? नो सॉफ्टवेयर सर। बिल्कुल फ्रेशर, अभी भी फ्रेशर है? नो सर अभी नहीं। अभी फ्रेशर नहीं है। अगर मैं आपसे लाइव काम करा दूं कि चलिए इस फोन की अनलॉकिंग करनी है, इस फोन का फ्लैशिंग करना है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? सर यहां पे सर मोटर वाइज और सीपीयू वाइज दोनों वाइज क्लास हुआ है सर, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं था। जी जी। और फ्लैशिंग का अनलॉकिंग का ये सब हमको सिखाया गया है। जी जी जी। और आगे चलकर अब हमको मेहनत करना होगा। जी। ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा जल्दी पकड़ जाएगा, इंप्रूव होगा। हां सर, तो डीपली सर नॉलेज दिया गया, डीपली नॉलेज दिया गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगा रहे हम बोर हो रहे हैं, क्लास बोरिंग हो रही है ऐसा? नहीं नहीं सर। और लास्ट में जो सर आपका जो लास्ट वाला जो ट्रिक था वो हमको बहुत अच्छा लगा, लॉग इन नोट लास्ट में कराया सर, ये कहीं देखा आपने? नहीं सर। चलिए ठीक है, ओवरऑल थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? मेरा नाम आदिल है, मैं झारखंड से हूँ। अच्छा आदिल जी आप हमें ये बताइए कितने सालों से सॉफ्टवेयर में काम? 2016 से सॉफ्टवेयर में काम। 2016 से कर रहे हैं, तो ओवरऑल हो गया आपका 7 साल या कितने सालों में? 6 साल हो गए। तो ये 6 सालों का एक्सपीरियंस और ये 4 दिन का एक्सपीरियंस बताइए? 4 दिन का बहुत एक्सपीरियंस रहा, 6 साल का बर्बाद हो गया एक्सपीरियंस। नहीं बर्बाद कहीं कुछ नहीं होता, आपने समय दिया है, अब वो जो आप काम कर रहे थे और ये जो आपने काम सीखा है, तो ये इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? बहुत इम्प्रूव हुआ। अगर ये 6 साल पहले नॉलेज मिल जाता तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। कहीं आप भी इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हो? नहीं सर, नहीं खोलना है। देखिए अगर आप किसी को सिखा सकते हैं ना, नॉलेज दे सकते हैं, तो उससे बढ़ के कुछ नहीं होता है। हमेशा मैं आपको बोलना चाहता हूँ नॉलेज हमेशा अपना बताना चाहिए, नॉलेज अपना जितना बताओगे उतना इंक्रीज होगे। यहाँ पे हम लाइव में बात कर रहे हैं, ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत एक्सपीरियंस रहा, बहुत एक्सपीरियंस रहा। तो ऐसे हमको तो बहुत पहले आना चाहिए, हम तो बहुत मिस करते हैं। अच्छा जी, तो अच्छा ओवरऑल जब अभी आया तो आप सर्टिफाइड है या नहीं? बहुत, क्योंकि देखिए आप पहले से काम कर रहे हैं, अगर मैं कुछ गलत आपको पढ़ाऊं तो आप उसको कैच कर लोगे। yes, तो हमें यहाँ पे ऐसा लगा कि सर कभी गलत पढ़ा रहे हैं? कुछ गलत नहीं पढ़ाए, सब जेन्युइन है, सब जेन्युइन। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत रहा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। बैठ जी, अपना नाम और कहाँ से आप? प्रमोद, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से प्रमोद जी, प्रमोद जी आप हमें ये बताइए ओवरऑल आप सॉफ्टवेयर में काम करते थे? मैं कुछ भी नहीं कर रहा था पहले, तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर के लिए लैपटॉप पे बैठा हूँ। जी जी जी। आज चलने की बहुत दिक्कत हो रही थी। देखिए मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि चेहरे की स्माइल ही बता देता है, इनसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये सीख पाए नहीं सीख पाए। तो आप ही बताइए ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर आपने जो आज आज तो डरता था सॉफ्टवेयर को, जी जी, लेकिन आपके अगर स्टेप सारे स्टेप फॉलो करो, हर एक चीज नोट्स में है। हाँ हर एक चीज नोट्स में है, और अभी आज लैपटॉप पे बैठा था, कॉन्फिडेंस तैयार हुआ है। आप सर के स्टेप्स फॉलो करो तो मैं कर पाऊंगा, कर पाएंगे। अगर कोई भी स्टिक अगर हम कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है। तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए थैंक यू सो मच, बैठ जाइए। अपना नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम नंद किशोर जी, आप हमें ये बताइए कि ओवरऑल आप सॉफ्टवेयर में काम करते थे? नहीं करते। तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? बढ़िया, मतलब यहाँ पे ऐसा तो नहीं लगा कि हमें समझ में ना आ रहा हो? नहीं, 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 ट्रिकें बहुत बढ़िया हैं। और जो आपके कुछ डाउट्स हैं जो मैंने ना बताया, सब बताया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया। चलिए थैंक यू सो मच, बैठ जाइए, बैठ जाइए, कोई खड़ा नहीं। हमारे साथ एक स्टूडेंट और, अपना नाम? पवन कुमार, लखनऊ से। पवन जी आप हमें ये बताइए, आप दोनों शायद भाई आए हुए हैं, दोनों जैसे कि हमने उनका रिव्यू लिया था, ये साथ है, मैं और चीज हर वीडियो में आप देख रहे हैं, ये सगे भाई हैं, और सगे भाई होकर के आप इन्होंने यहाँ पे काम सीखने के लिए आए, वो आप देख सकते हैं, पीछे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर बहुत बढ़िया रहा, पहले बाहर से करवाते थे। अच्छा आप दोनों भाई बात तो करते हो, हॉस्टल में क्या बातें करते थे, अगर हम सही सीख पा रहे हैं नहीं सीख पा रहे? नहीं सर करते हैं, बहुत बढ़िया सिखाया जाता है। आप जो सोच रहे थे, जो आपकी होप थी वो पूरी हो रही? जी। चलिए थैंक यू सो मच, आ जाइए। चलिए अपना नाम और कहाँ से आप? मेरा नाम शुभम, बिहार से। शुभम जी आप हमें बताइए कितने सालों से सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं? 10 साल का एक्सपीरियंस, अभी 4 दिन का एक्सपीरियंस बताइए। बहुत ही चेंज हो गया, अगर आप ये सोचते रहे तो मैं तो 10 साल का नॉलेज है, मैं क्यों ज्वाइन करूँ, ऐसा कुछ था क्या?
तो आपने ज्वाइन करके आप माइनस में गए या प्लस में गए? तो ओवरऑल कहाँ फंसते थे, कुछ कुछ नया मिला आपको? बहुत नया मिला यहाँ पे। पढ़ाने का तरीका ओवरऑल कैसा रहा? बहुत ही अच्छा। मतलब यहाँ पे जो फ्रेशर स्टूडेंट है क्या वो सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे? बेबी स्टेप है। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच। हमारे साथ स्टूडेंट और, आपका नाम और कहाँ से? शिवानंद, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से शिवानंद। तो चलिए आपसे भी यही सवाल कि आप पहले सॉफ्टवेयर में काम करते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया है। अभी आपसे लाइव अगर बोल दिया जाए कि इस फोन की अनलॉकिंग करनी है या इसका फायरबेट आना है, कर पाएंगे? जी सर, बिल्कुल। क्या एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल आपका? बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे समझाने का कोई हार्ड तरीका तो नहीं था? नहीं नहीं, बहुत इजी सॉफ्ट तरीका था। आपको समझ में आया? बहुत बहुत समझ में आया। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना नाम बताइए। प्रमोद, महाराष्ट्र से। प्रमोद जी, आप ये बताइए आप सॉफ्टवेयर में कितने सालों से काम कर रहे हैं? दो तीन सालों से काम कर रहे हैं। कहाँ फंस रहे थे? एफआरपी और फ्लैशिंग में फंस रहे थे। तो वो आपके जो डाउट थे वो क्लियर हुए? यस सर, क्लियर। कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा सर। आपने जो इससे टेलीकॉम सोचा था कि वहाँ पे जाएंगे, क्या पता सॉफ्टवेयर कैसा सिखाया जाएगा, तो ओवरऑल कैसा सिखाया गया? बहुत बढ़िया सिखाया गया, मतलब ट्रिक टू ट्रिक नॉलेज, ट्रिक टू ट्रिक नॉलेज। आप सर्टिफाइड हुए? यस सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और, आपका नाम? अच्छा, आप नेपाल से। इससे पहले आप सॉफ्टवेयर में काम करते थे? नहीं सर, बिल्कुल फ्रेशर है। तो अभी भी फ्रेशर है? अभी तो नहीं, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट है उनको बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हो सकता है। नोट्स आपने लिखे डे बाय डे क्लास के लिखे? तो यहाँ पे जो नेपाल हिंदी ऐसा समझने में लैंग्वेज में तो कोई दिक्कत नहीं होती? कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, एकदम बढ़िया। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ जी, हमारे साथ एक स्टूडेंट और, आपका नाम और कहाँ से आप? सर, मैं महाराष्ट्र से हूँ, गजानंद। महाराष्ट्र से है। तो बताइए गजानंद जी, ये बताइए कि ओवरऑल कैसा, कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं 10 साल से कर रहा हूँ। आप इस फील्ड में 10 साल से हार्डवेयर भी कर रहे हैं? हार्डवेयर भी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी कर रहे हैं। तो 10 साल का एक्सपीरियंस और ये 4 दिन का एक्सपीरियंस? सर, मेरे घर से लोगों को बहुत देर हो गई, अभी देर नहीं हो रही। सैमसंग में जो एरर आता है बैटरी का, ये जो स्टूडेंट्स है आपको तो चलो ठीक है, ये जो फ्रेशर स्टूडेंट है कितने सेकंड में बता पाएंगे बैटरी? वो 2 मिनट के अंदर बता देंगे। बता देंगे। और ये बैटरी का बहुत बड़ा मसला है कि नहीं? बैटरी का बहुत प्रॉब्लम आता था, बैटरी का इतना प्रॉब्लम आता था कि मैं दूसरे तरह ऑनलाइन सीखा थी। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए 10 फाइल रखी हुई है, मैं तो आप जज कर लोगे, फ्रेशर स्टूडेंट है, मान लीजिए 10 फाइल है, वहाँ पे 10 फाइलों में से कौन सी फाइल डाउनलोड कर ली है वो बता पाएंगे? बता पाएंगे। कैसे बता पाएंगे? वो ट्रिक यहाँ पे बताई गई है। अपना नाम और कहाँ से? विशाल है, और मैं महाराष्ट्र से। विशाल, अच्छा, महाराष्ट्र से काफी स्टूडेंट है इस बार। तो बताइए ओवरऑल, इससे पहले आप काम करते थे? बिल्कुल फ्रेशर थे। तो आप हमें ये बताइए कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया रहा सर, जो एक्सपेक्टेशन करके आए थे उससे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मिला। तो ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे, जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। कैमरा पकड़ लीजिए, इनको दबेज दीजिए। बहुत बढ़िया ट्रिक बताते हैं यहाँ पे, तो बहुत ईजी तरीके से समझ में आया। आप सर्टिफाइड है? यस सर, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, आ जाइए, हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, मेन स्टूडेंट। जी सर। चलिए, अपना नाम और कहाँ से बताइए? रईस, गुजरात से। रईस जी, आप हमें ये बताइए कि ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया का मीन्स आप फ्रेशर थे या पहले काम करते थे? सर, हार्डवेयर में किया था थोड़ा बहुत, लेकिन फ्रेशर हूँ, सॉफ्टवेयर के बारे में तो बिल्कुल फ्रेशर। अभी आपको कैसा लग रहा है, अभी भी फ्रेशर है? नहीं सर, अभी तो आईफोन तक का सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं। आईफोन तक का सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेप है बहुत हार्ड तो नहीं है? नहीं सर, स्टेप बाय स्टेप है, और जैसा एकदम समझ में आ जाए ऐसे इसी तरीके से आप सब लोग पढ़ाते हैं टेलीकॉम के लिए। अच्छा, तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया सर। फिर से स्टूडेंट को ज्वाइन करना चाहिए इसी टेलीकॉम में? सर, बिल्कुल करना चाहिए, अगर जिंदगी में कुछ कर दिखाना है तो करना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। एक लास्ट, और ये आगे बैठे हुए थे, तो मैं आगे, आप क्यों बैठे हुए थे पहले सबसे सवाल ये है? अच्छा, प्रैक्टिकल किसने किसने किया, थोड़ा एक बार राउंड करके दिखाइएगा। तो अच्छा, ये आगे पूछ लेंगे, चलिए आगे पूछ लेंगे। तो ओवरऑल अपना नाम और कहाँ से आप? धीरज, जम्मू से। तो धीरज जी, आप हमें ये बताइए, आप पहले काम करते थे सॉफ्टवेयर में? अच्छा, आपने पहले ही बताया कि आप इस फील्ड में थे ही नहीं, आप इसमें स्विच करके आए जी। तो ओवरऑल कैसा लगा कि हम काम सीख पाएंगे, निच पाएंगे, कैसा लगा ओवरऑल? जब तक आप जितने से सीख रहा हूँ सर, सब समय में आ रहा है, और सॉफ्टवेयर का तो कंसेप्ट ही चेंज हो गया, लोग मॉडर्नाइज ढूंढते हैं, लेकिन हम कुछ और ही ढूंढेंगे, कुछ और ढूंढेंगे, वो सही तरीका है, वही है सर। चलिए ठीक है, ओवरऑल कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच, बैठ जाइए। अब लास्ट में एक छोटा सा, आ जाइए आगे, बैठ जाइए सभी लोग अपनी जगह पे। वो नोट्स उठा लीजिए जो मैंने लास्ट में लिखवाया, नोट्स जैसे साइड में रख लीजिए।
वो नोट्स उठाइए सभी लोग। हाँ ऐसा जब पूरी में तो दिखाइएगा। तो आज इनका फाइनली लास्ट डे है और इनका सॉफ्टवेयर का लास्ट डे है। तो कौन कौन सॉफ्टवेयर फ्रेशिंग कर लेगा? सब सभी कर लेंगे। यस सर। फ्रेशिंग और अनलॉकिंग? यस सर। अच्छा आप यहाँ नीचे करिए। अब ये बताइए कि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है क्या मैं लैपटॉप चलाता हूँ या स्टूडेंट चलाते हैं? स्टूडेंट। कितने लोगों ने चलाया आप उठाइए, सही बताइएगा ईमानदारी के साथ। इतने लोगों ने लैपटॉप चलाया, सही बोल रहे हैं आप। यस सर। तो सर अब इधर दिखाइए, जितने दिन की क्लास होती थी सर जितना हो सकता था मैंने स्टूडेंट से लाइव प्रैक्टिकल कराया है, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं करता हूँ। तो ये आप ही लोग करते हैं? यस सर। कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? ये लास्ट टाइम में मैंने जाते जाते क्या ये आपके हाथ में है बताइए, क्या वैल्यू है इसकी? दिखाइएगा उधर। सारा क्लास एक पेज में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये इससे शॉर्ट कुछ हो सकता है क्या? नो सर। Thank you so much. Thank you, sir.